महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की भ्रष्टाचार विरोधी जांच अदालत की निगरानी वाली एसआईटी को सौंपने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र की देशमुख के खिलाफ जांच एसआईटी को देने की मांग खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को टच भी नहीं करेंगे। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई के भ्रष्टाचार विरोधी जाँच अदालत की निगरानी वाली एसआईटी को सौंपने की मांग की थी। यह मामला गृह मंत्री रहते हुए देशमुख के खिलाफ पुलिस तबादलों और पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने के आरोपों से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल अब सीबीआई के निदेशक है। सीबीआई की जांच में पक्षपात की आशंका है। जायसवाल पुलिस स्थापना बोर्डों का हिस्सा थे और तबादलों और पोस्टिंगों का निरीक्षण करते थे। सीबीआई डायरेक्टर संभावित आरोपी नहीं तो गवाह तो जरूर होंगे। जस्टिस एसके कॉल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने मामले की सुनवाई की।